हाय कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट है यूनिट 4। हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, और कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। और 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कवर करने वाले हैं हम यहाँ पर। और बच्चों, अगर आपको इससे पिछले एक्सरसाइज यानी 4.1 और पिछला अगर क्वेश्चन चाहिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा मेरा पिछला वीडियो, राइट। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कवर करते हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार मैंने देखा है आपके बोर्ड के एग्जाम में इन 4.2 में से क्वेश्चन कवर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं, प्लीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं। कहते हैं ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो देखो, जब भी ऐसा कुछ करके आए कि ऐसी दो संख्याएं क्या जिनका योग 27 हो, तो उसके सॉल्यूशन में बेटा आपके पास है ना माना पहली संख्या लिखना पड़ेगा आपके पास, माना पहली संख्या है ना। पहली संख्या आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा 27 माइनस में एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 माइनस में एक्स, ठीक है। अब ये कई बच्चों कन्फ्यूजन हो जाती है 27 माइनस एक्स है ना, ये कैसे ले लिया गया है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चों को रहता है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति क्या है ना, एक ले लेते हैं एक कृष्ण और दूसरा के ले लेते हैं बलराम, राइट। ये दो व्यक्ति हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं ये। और हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के पास अभी कितना रुपये है, 27 रुपये। आपको ये नहीं सोचना कि बस 27 रुपये है, ये पूरे ब्रह्मांड के पूरे पूरे मालिक हैं, राइट। सब कुछ इनका ही है, लेकिन अब भी सिर्फ सवाल को समझने के लिए, कृष्ण बलराम के पास 27 रुपये, एक के पास मान लिया कि मैंने एक के पास कृष्ण के पास 10 रुपये, तो बलराम के पास क्या होगा। देखो 27 माइनस में 10 क्या होगा 17। फिर एक के पास मान लो कृष्ण के पास मान लिया मैंने 15 रुपये, तो 27 माइनस में 15, तो बलराम के पास क्या हो जाएगा 12 रुपये। तो देखो 15 और 12 27 हो रहा है, 10 और 17 27 हो रहा है। अगर आपको आपको सपोज पता ही नहीं है मैं क्या मान रहा हूँ कृष्ण के पास 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस क्या हो जाएगा x। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वाला जो कंसेप्ट है आपको याद रखना है, और इन दोनों को भी याद रखना है, कृष्ण और बलराम को भी याद रखना है, राइट। इस बहाने आपको ये भी याद रहेंगे तो हमारा इधर भी भला और उधर भी भला, राइट। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो इसलिए मैं एक को एक्स और एक को 27 माइनस x होगा प्रश्न अनुसार, है ना। आप देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार का कंसेप्ट लेंगे हम, कहते हैं इनका गुणनफल 182 है, तो x और 27 माइनस x इनका क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, ठीक है जी, गुणा करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। इनका गुणनफल बोला तो मैंने इन दोनों गुणा में कर दिया और बराबर रख दिया 182, मैंने गुणा किया तो ये आ गया 27x और इसे गुणा किया तो क्या आ गया x², ठीक है बेटा। तो x² को मैं इधर लेके जाता हूँ, है ना, सबको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये देखो x² क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबको इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर देखा जाए इधर 182 देखो पहले से ही प्लस का है, ये इधर आया है ना, x² इधर आया तो x² प्लस का हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। तो उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हो ना, और इसको हम तरीके का समीकरण लिख सकते हैं x² माइनस में 27x, क्योंकि x² वाला पहले आएगा बीच में 27x, और क्या आ जाएगा बेटा प्लस में 182, क्योंकि प्लस 182 और 0 को आप इधर लिख सकते हो। अब हम क्या करना है इसका समीकरण बना, इसका आप क्या करना है, क्योंकि जो चैप्टर क्या है गुणनखंड विधि से, तो आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से इसको अब बीच वाले को यानी हम स्प्लिट करेंगे दो भागों में कि गुणा करने पर। देखो तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, 182 से x² को 182 से मल्टीप्लाई तो 182x² आ गया। अब ये बीच के ऐसे दो बीच वाले को दो ऐसे भागों में बांटना पड़ेगा कि गुणा करने पर तो आए 182x², और जोड़ने घटाने पर आए हमारे पास वापस 27x। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, तो इसको देखो सोचना थोड़ा सा मुश्किल है 182, तो आप क्या कर सकते हैं ये वाला, ये जो क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है फैक्टर है, क्योंकि सवाल को किसे करना है गुणनखंड विधि से, तो मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 2 से 2 निमिठा 2 एकम 2, फिर मैंने क्या किया 7 से किया, तो 7 एकम 7, 7 से 21, ठीक है बेटा। तो यहाँ पहुँच गया हम, तो हम क्या देख रहे हैं 7 × 14, तो यहाँ पर मैंने क्या 7 × 14 और 7 × 14 गुना में 13, तो ये क्या देगा बेटा आपको देगा 182। और अगर आप इन दोनों को देखो 14 + 13 क्या देगा आपको 27 भी देगा, 14 और 13 कॉम्बिनेशन क्या देता है 27 देता है। तो मैंने क्या किया x² यहाँ लिखा मैंने 14x माइनस में 13x है ना, तो और इनको जब मैं आपस में गुना करूँगा तो बेटा ये मुझे 182 भी देगा प्लस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 भी देगा मेरे को ये, है ना। तो यानी दोनों जो मेरे कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अब देखो जब ये चार टर्म में आ गए ना 1 2 3 4, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो मैंने एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया एक्स माइनस में 14, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिया 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो इसके पास है यहाँ पे नहीं है, तो 13 मैंने लिया तो यहाँ बच गया एक्स, और माइनस लेने से क्या बच गया माइनस का 14, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक्स माइनस में 14,
नहीं ये दोनों, अच्छा जब कॉमन लेंगे तो क्या खास बात होती है बेटा, ये दोनों ब्रैकेट मिलना चाहिए आपका। और ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो इसका मतलब आपने सब, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही किया, और जो अपने स्प्लिट किया है वैसे तोड़ा है सकता है इसको, बीच मिडिल टर्म को ना वो लिखकर जो दो टर्म वो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो इन दोनों को मिलाकर आप एक बार लिख सकते हो एक्स माइनस 14, और इसको मिलाकर क्या लिख सकते हो, एक बार लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक्स माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इधर से एक्स माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दोनों ये पॉजिटिव का आया है ना, एक बार इसको 0 रखा है और एक बार इसको 0, दोनों पॉजिटिव का है। तो क्या हो जाएगा, आता है क्या बन जाएगा बेटा, आता है पहली संख्या। तो पहली संख्या अगर आप, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 14, क्यों दोनों आंसर ठीक है तो 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास 27 माइनस में एक्स है, तो 27 माइनस में 14, तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या 13 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया। पहली संख्या अगर एक्स 14 है तो दूसरी संख्या 13। दूसरे दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ बेटा। दूसरा कंडीशन ये कि पहली संख्या है ना, पहली संख्या क्या मान रहा हूँ मैं, 13 मान रहा हूँ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या हो जाएगी 27। देखो 27 माइनस में एक्स है तो 27 माइनस में 13, ये क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। तो यानी आपका ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक सकता है कि पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14, और ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक हो सकता है पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13 हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये दोनों आंसर क्या है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर फोर की। फोर भी बिल्कुल क्वेश्चन थर्ड की तरह बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या जिनके वर्गों का 365 हो। तो क्या है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन में क्या करूँगा, माना ना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, या पहले ये दूसरी लिख लो, दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ एक्स प्लस में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 1। क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव है ना, और पूर्णांक का मतलब, और लगातार बोल रहा है, लगातार मतलब अगला होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूर्णांक। अगर मान लो सपोज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक्स मैंने 5 माना, तो यहाँ पे 5 रखने से 5 प्लस में क्या देगा, 6 देगा, तो अगला हो गया है। ऐसे अगर मान लो यहाँ 10 हुआ तो 10 प्लस में क्या देगा मेरे को, 11 देगा अलग, तो ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गया, अगला हो गया, क्रमागत हो गया ना, 10 के बाद तुरंत 11 आ रहा है। तो इसलिए एक को एक्स मानते हैं बेटा, दूसरे को एक्स प्लस में 1 मानते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न अनुसार हमने क्या किया, प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस वन के वर्गों का वर्ग कर दिया मैंने, उसका योग कर दिया, एक्स वर्गों का योग कितना, 365 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 365 रख दिया मैंने। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, तो यहाँ पे हमके पास सॉल्व करेंगे तो बड़ा भी लाभ है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर या ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी एक का एक आ जाएगा प्लस में 2 है, यानी 2 गुणा में एक्स गुणा में 1, तो यह जाएगा 2x। ठीक है बेटा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया बेटा, 2x स्क्वायर हो गया है ना। फिर ये आपने 2x यहाँ लगाया, प्लस का एक पहले से था 365, इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 365 में से एक गया तो माइनस का 364 हो गया। ठीक है, यानी दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस में, दो कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और दो से इसको भाग करें, 2 * 1 = 2, 2 * 16 = 2, 2 * 4, 2 * 2 = 2 तो क्या जाएगा, बटे में आएगा, तो ये जब 2 इसके बटे में आएगा, बटा 2 बने तो 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेट आपके पास क्या है, दिखाने की जरूरत नहीं, आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182। देखो पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हो 182 था, यहाँ पे भी क्या 182 है, तो बिल्कुल वही हमारा कॉम्बिनेशन है ना, इसी यही कॉम्बिनेशन से जो 82 को हमने तोड़ा था 14 और 13 का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैं प्लस का 14 लूंगा और माइनस का 13, तो 14 में से 13 जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, और वापस गुना करने से माइनस का 182 ही मिलेगा मेरे को, राइट। तो यहाँ पे फैक्टर बनाना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वही है। तो मैंने एक्स कॉमन लिया यहाँ पे, तो एक्स प्लस में क्या बच गया यहाँ पे 14, यहाँ पे 13 कॉमन लिया तो एक्स माइनस का 13 लिया, तो ये क्या हो जाएगा वापस से 13 बाहर आएगा तो एक्स बच गया, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 14। ठीक है, तो एक्स प्लस में 14 और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 13, तो एक्स प्लस में 14 है बराबर क्या 0 रखूँगा मैं, तो आ गया माइनस का 14, तो ये माइनस का जो आ गया, तो इस माइनस का हमें क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए था, तो ये नेगेटिव है तो इसको हम लेंगे नहीं, इसका अगला यूज क्या करेंगे, एक्स माइनस में 13 = 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 13 आ गया। तो ये आपके पास क्या होगा, ये वाला जो है ना ये राइट आंसर है आपके पास, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हम इसे मानेंगे, धनात्मक बोला है तो ऋणात्मक का तो हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे आते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक यानी आपके पास पहली धनात्मक पूर्णांक,
यानी यहाँ पे हो गया आपके पास पहले धनात्मक पूर्णांक में 13, तो दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या आपने क्या माना था एक्स प्लस में वन, तो यह हो जाएगा 13 प्लस में 1, क्या हो गया बेटा यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये और ये क्या हो गया, आंसर हो गया ना, 13 और 14 क्या हो जाएगा आपके पास पहले और दूसरे का, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में थर्ड एंड क्वेश्चन में फोर यहाँ पे मैंने क्या क्या कवर कर लिया, कवर कर दिया आपके लिए, और आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में ना आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना? और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आए तो क्या करना है, इस अधिक से अधिक बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप 10वीं में हो तो आपको 11वीं और 12वीं में मदद मिलने वाली है, अगर 6ठी क्लास में तो आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी हम लंबे समय तक इस चैनल के साथ है ना बने रहे, ताकि आपको इस चैनल के साथ बिल्कुल हिंदी में आपको अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको मैथ समझ में आए, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।